बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह तहे दिल से आप सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और अल्लाह ना करे किसी की कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में है सहरी की दावत, तो अभी हमारे मेहमान आए, यानी खसूसी मेहमान आए गुड़िया की दुनिया। तो वैसे तो ये हमारी बेटी है, मगर शादी के बाद है ना पराई जाती है ना लड़कियाँ, तो ये बस अपने काम निपटा के फिर ही आती हैं। तो वो आ गई है, इनकी मेहरबानी आज आई है। और आज मेरी सहरी जो है ना अम्मी के चैनल पे देखने को मिलेगी। आज मेरी सहरी खत्म है क्या? आप हमारे साथ काम करना ना, अब ये क्या बात है? ये कहती है अच्छा मैं अपने घर में भी आके काम करूँ, यहाँ पे भी काम करूँ। ये बोलती है हकीकत है, अम्मी के जब मैं आती हूँ ना तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता काम करने। हाँ, यहाँ तो आके बस ऐसी आराम करती है। तो चलो आज क्या बनने वाला है? आज बनने वाला है, ये तवा रखा है बड़ा सारा सा, तो आज हम बनाएंगे तवा कीमा, और इसके साथ हम बनाएंगे सिंपल से पराठे, और लस्सी होगी, और साथ में चाय होंगे, और चाय होंगे। चाय एक होती है ना, चाय के साथ बहुत सारे कप होंगे तो होंगे चाय होगी और लस्सी होगी, और बस हम होंगे और हम होंगे और आप होंगे, अंडे होंगे, फंडे होंगे, सब होगा। और आज माशाल्लाह से रमज़ान की जो है पहला जुमा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला दिन जो है हम इस आश्रय में चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको ख़ास जुम्मे वाले दिन के लिए आपको एक वजीफ़ा बताऊंगी। जो भी किसी की परेशानी हो, कोई भी मसला हो, कोई भी किसी किस्म की बीमारी हो, इंशाल्लाह ताला इस वजीफ़े के पढ़ने से आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। और पूरी वीडियो देखिएगा, और जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी ज़रूर उसको आप पढ़िएगा, मगर शर्त यह है कि आपको तहे दिल से जो है उसको पढ़ना है। और छोटा सा वजीफ़ा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, और ख़ास ये जुम्मे के लिए, पहले जुम्मे को आप ज़रूर पढ़िएगा। जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं सब पढ़ें, और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई अल्लाह न करे नुकसान पहुँचे। तो बातें तो हमारी होती रहेंगी, सबसे पहले जो है ना हम आटा गूंथ लेते हैं। हमें कुछ करना है? हाँ, तुम कटिंग करो बेटा, प्याज और वो मिर्ची वगैरह। यहाँ पर मैं क्या बन रहा है? कीमा, तवा वाला कीमा। मेरे लिए तो आप ये बनाओ आलू की भुजिया, आलू की तरकारी। तरकारी, हाँ तरकारी। चलो ये आलू, चलो जी, चलो बना दूंगी। चलो भाई, मेरे हस्बैंड की तो आई फरमाइश, और बहुत बहुत रमजान मुबारक हो मेरी तरफ से भाई। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने यहाँ पे लिया है आटा, और आटा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा हाफ हाफ कर देंगे ताकि भाभी और मुझे घूमने में आसानी हो। तो भाभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें और मुझे दे दें जितना मुझे गुना, जितना आपको गुना है। मोतर एक बॉल में बेटा पानी दे दो मुझे, मैं ना ये बॉल में पानी दे दो। वो है कटिंग बोर्ड, हमारे यहाँ कटिंग बोर्ड नहीं होता। यहाँ पे हमने ना दो तशलों में इनको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि ना आटा बहुत ज़्यादा है तो एक पे बर्डन ना आए, तो यहाँ पे हमने आधा आटा जो है अच्छा गुनना। भाई देखूंगी किसका आटा अच्छा गुनता है, और जिसका लोचदार और चिकना आटा होगा ना उसको एक गिफ्ट मिलेगा। कबूतर। अरे पहले जमाने में कबूतर मैसेज लेके जाते थे, अब जो मोबाइल चल गए पहले ये काम करते थे ये। अनारकली है, मुझे तो किसी को नहीं देना, मैं किसको दूंगी। तो गुड़िया को दे दिया हमने कटिंग का काम, गुड़िया काट रही पीछे प्याज, और ये जो है इन्होंने आधा आधा आटा बांट लिया है दोनों भावज और नन्हे, और मैं अकेली यहाँ पे करूँगी सारे काम अकेली। हाँ ना, फिर भी अकेली, मैं अकेली। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना आलू की तरकारी पकाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये आलू मैंने काट दी है, तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि छिलको समेत ही ना बनाओ, क्योंकि ये पुराने आलू हैं, नए आलू नहीं है। नए आलू होते हैं ना वो छिलको समेत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके अंदर है ना ये आलू हमने
डाल दी। तो आलू की तरकारी है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि बाद लोग बनाते हैं इसके अंदर ऑयल डालकर, तो ऑयल डाल के नहीं बनती, ये बिल्कुल ऐसी ही बनती है बगैर ऑयल के, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये जो अमूमन है ना, ये खाई जाती है पराठों के साथ, पूरी के साथ, और कचौरी से भी खाई जाती है। तो इसमें जो है ना, हमने आलू डाल दिए, 3-4 आलू काट के डाल दिए, और बस इसके अंदर मसाले जो जाएंगे ना, ये मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं कलर के लिए। तो ये 1/2 छोटा चम्मच से मैंने कम डाली है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, ये डाल दिया। आप चाहे तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ, अच्छी लगती है। और इसके अंदर डालेंगे हम ये कलौंजी, ये चम्मच में डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं बहुत सारी डाल दो, मगर हर चीज़ जो होता है ना इत्तेदाल में डलती है, तो ये डाल रही हूँ। जब भी कलौंजी डालें तो आप दुरूद शरीफ पढ़ के फिर डालें। बिस्मिल्लाह, ये डाल दी हमने इसके अंदर कलौंजी, और डाल देती हूँ मैं थोड़ी कलौंजी, कितनी भी डालें कोई खैर इससे कोई नुकसान नहीं है ना, टेस्ट चेंज होगा। बस ये होता है अगर ज़्यादा डाल देंगे आप तो इसका कलर जो है ना वो ब्लैक ब्लैक पे आ जाता है। तो इसको डालकर हम अंबर ढक्कन है ना, इसको ढक दो, इसको डालकर हम मसाले, और अरे नमक तो डाला नहीं इसमें, नमक डाल, और हम इसको ना डालूँ नहीं, मैं चम्मच से डालूँगी, वैसे पता नहीं चलेगा। तो 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, और इसको हम पकने देंगे 5-6 मिनट, ताकि आलू जो है गल जाए बस। तो ज़रूर नहीं होता कि हर चीज़ जो है ऑयल डाल के बने, ये बग़ैर ऑयल की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अभी मेरे मेहमान है ना, उनका फ़ोन आया था कि वो नहीं आ पा रहा है, कुछ मेहमान नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनके छोटे बच्चों के साथ है, और बच्चे आधे सो गए आधे जाग रहे हैं, तो बस मसला होता है कुछ शहरी में। तो इस वजह से मैंने जो है ना, जो भी मैं बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। तो मैंने उससे इस वजह से मैंने पूछ लिया कि क्योंकि बनाने से पहले पूछ लूँ, क्योंकि सबके रोज़े होते हैं और लाजमी बात है फिर दिन में तो कोई खाना खाता नहीं है। तो यहाँ पर आलू की तरकारी बन रही है और अब मैं कीमा बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं तवा वाला कीमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल, ऑयल डाल दिया हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाला है, और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो ये प्याज कितनी प्याज काटी है? 4-5 है, 4-5 आधी लो, बहुत ज़्यादा है। अरे मिर्ची जैसे काटते हैं भिंडियाँ काटते हैं ना ऐसे, हाँ राउंड राउंड। अच्छा ज़्यादा काट लो, उसे कैची से काट लो, ऑमलेट में भी काम आ जाएगी ना, है कैची से काट लो अंबर, हम मिर्ची नहीं लग जाए। तो प्याज थोड़ी सोते होती है, तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर कीमा। ये बात अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, और इसमें हम डालेंगे कीमा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको कीमा डाल दिया, और इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इस तरह से हम इसको ना थोड़ा चलाएंगे, और मेरे पास कमेंट्स आई, एक जिसको सुन के वाकई मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, वो बता रही थी कि मैं ना नाम भूल जाती हूँ, ये बड़ा मसला होता है मेरे साथ। तो वो बता रही थी कि आंटी मेरा औलाद नहीं है, और मुझे ना मेरे पर किसी ने बंदिश करा दी। तो ये सुन के मुझे वाकई बहुत दुख हुआ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, अच्छा किसी को तकलीफ़ में देखे, यानी किसी की शादी ना हो या किसी का किसी की औलाद ना हो, कोई परेशान हो, तो वैसे तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर कोई किसी को तकलीफ में ऐसा देखना चाहता है तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए सिवा जहन्नम की कुछ भी नहीं है। ये दुनिया है, दुनिया तो खैर आरजी है यहाँ पर, और इंसानों में इंसानियत वही होती है जो एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की तकलीफ़ में काम आए, एक दूसरे की खुशियाँ बाँटें एक दूसरे के लिए। और एक मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी, बिल्कुल ये जो किस्सा है ना, ये अल्लाह ताला बस इबरत के लिए
इबरत के लिए ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, अब अगर उनको कोई नहीं समझे तो वो बात अलग है कि यानी मुर्दों को निलाना कितना सवाब का काम है और कितनी इसके अंदर अजर दिया अल्लाह ताला ने कि वो मुर्दों को गुसल दे रहे हैं। तो एक औरत थी वो जो मुर्दों को गुसल देती थी, मगर पैसों की लालच में उन्होंने एक इतना गलत काम किया कि उनसे किसी ने कहा, कोई गलत जैसे मैंने काला इलम वगैरह जो करते हैं ना जादू वगैरह, किसी ने कहा कि आप बस है ना जब आप गुसल दिया करें ना तो उनके मुंह के अंदर एक छोटा सा कागज़ दिया कि आप ये रख दिया करें और मैं इसको ये काम करने के आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा। तो वो क्या करती थी कि गुसल देने के बाद और उस मुर्दे के मुंह में जो है ना वो कागज़ का टुकड़ा रख देती थी साइड में। अब लाजत है कोई जो है मुंह थोड़ी खोल के देखेंगे, तो ये काम करती थी जब भी जाती थी ना किसी को गुसल देने के लिए यानी मुर्दे को गुसल देने के लिए, तो वो ये काम कर लिया करती थी और सिर्फ पैसों के खातिर। अब वो पैसे जमा करके गई, वहाँ पर जो था ना उनको खाना काबा ही नज़र नहीं आया, अस्तगफुरुल्लाह, उनको खाना काबा नज़र नहीं आया और वहाँ पर नमाज भी पढ़ी इन्होंने और पत्नी तवाफ़ किस तरह करें मेरी समझ से बाहर है। तो वो उन्होंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि वो कहाँ है जो हम अपने घरों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, टुकड़ों में जैसे देखते हैं खाना काबा, वो नज़र नहीं आ रहा। तो उनके शोहर ने कहा कि ये सामने तो है, तो कह रही मुझे नज़र नहीं आ रहा, उनको हर चीज़ नज़र आ रही थी मगर खाना काबा नज़र नहीं आ रहा था। तो उनके शोहर परेशान हो गए कि तो इतना अच्छा सवाब का काम करती हैं यानी मुर्दों को निलाना कितना सवाब का काम है और इनको खाना काबा नज़र नहीं आ रहा। तो खैर ये आ गए 15 दिन के बाद पाकिस्तान वापस, और आकर इन्होंने किसी उलमा वगैरह से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपनी जो बीवी है ना आपकी उनको लेकर आए आप। तो उन्होंने कहा मुझे सही सही बताना तुम क्या काम करती हो। उन्होंने कहा कि मैं गुसल देती हूँ मगर मैं ये काम करती हूँ कि मैं गुसल देने के बाद है ना ये मुझसे गुनाह सरज़द हुआ मुझसे कि मैं कोई साहब थे, उन्होंने कहा कि तावीज़ रख दिया करो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने ये काम किया पैसों के खातिर। तो उन उलमा ने कहा कि आप फ़ौरन जो है तौबा इस्तग़फ़ार करें और गिड़गिड़ा के जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो ये मैं अच्छा मैंने जब ये किस्सा मैंने पढ़ा था अखबार में, जब मैंने ये किस्सा पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया। उसके बाद जो है मैंने जमील तारिक के थे ना वो, नहीं क्या नाम था उनका, अरे वो जो सुरमा लगा के आते हैं हाशमी साहब, जब मैंने उनका मैंने सुना ना प्रोग्राम में ये किस्सा, तो तब मुझे यकीन आया। और यानी अगर हम किसी पे कोई किसी पे कुछ करता है ऐसा तो उसका जो है बहुत अल्लाह की उसमें गिरफ्त में आ जाता है वो, और उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है जब तक वो माफ़ ना करे जिसके साथ बुरा किया गया है। तो अभी मेरे मेहमान आ गए, इनसे मैं मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत प्यार हो गए माशाल्लाह से, कैसे लग रहा है? नहीं नहीं सही है। अंबर कह रही है अम्मी ने इतना बड़ा तवा इसलिए रख दिया कि इसमें सब कीमा गिरेगा नहीं मुझसे भूनते हुए। कल इसने जो चिकन बनाया था ना इसने कल 2 बोटियाँ फेंकी हैं चूल्हे पे, आई मैंने बर्दाश्त कर लिया, फिर ऐसे चलाया इसने सारी। लेकिन लोग कह रहे थे कि हमने वेस्ट किया, हमने उसको वेस्ट नहीं किया था, हमने उसको धो के और भी मसाले अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल रही हूँ। और अब इस कीमे में डाल रहे हैं हम टमाटर, पूनी टमाटर। अंबर का हाथ काट दिया इस टमाटरों ने, इतना घेरा हाथ, इतना गंदा हाथ काटा है। और इसमें कितने टमाटर काटे हैं अम्मी? 4-5 छोटे छोटे से। और इसके अंदर डाल रहे हैं हम 6-7 हरी मिर्चें, और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने बचा दी है, वो बाद में हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो प्याज को थोड़ा चला के इसको मुरझा दिया था ना, ये यहाँ एक साइड में रख दिया मैंने, यहाँ पर ये ठंडा है तवा इस तरफ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, तो नमक मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके अंदर नमक डालेंगे और ये डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और इसके अंदर डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें, ये डाल दें।
और लाल मिर्ची डालूं? डाल दो, हाँ लाल मिर्ची ज़रूर। लाल मिर्च तो ये खाते हैं। कीमे का मजा तो भाई ट्रेन में आता है। अच्छा यहाँ पर है ना ये कुटा हुआ धनिया है, तो मैं ये डाल रही हूँ थोड़ा सा जो बचा था ना उस दिन क्या बनाया था। अब ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही ना। अच्छा इसको अभी हम पकने देंगे। हाँ चलो हटो हटो, इसको हम में ढक्कन बढ़ा लो। नहीं ये इसको भाप में पकाएंगे ना थोड़ी देर। अंबर तू हाथ लगा ले साइड में, क्या तुझसे पोटियां गिरी ना आज ऐसे बड़ा कर पूरा। अम्मी ये कैंची बहुत खतरनाक है। कैंची नहीं छुरी है। मेरा खून ज़्यादा भा है ना तो मेरा दिमाग। इसमें मैं एक छोटा सा नन्हा सा टमाटर डाल दिया मैंने, और इसको अभी ना थोड़ा सा इसको चम्मच लेकर आओ लकड़ी का। छोड़ दो उसके हाथ में, छोड़ दो चम्मच तो लेकर आ जाओ। सबसे बेहतरीन कॉम्बो होता है ये पराठे और पूरी है ना, अच्छा लगता है। और मुझे भी आज ना दोबारा अपना सफर याद आ रहा है जब वो मोहते ने बनाए थे पराठे और मैंने कीमा बनाया था। हां अरे वाह, जब आप कहते हैं मैं गई थी और असल बहुत रहता था पिंडी, मुझे तो वही वाला। अच्छा आलू ना गल चुके हैं, उसको चम्मच से मैं थोड़ा सा इसको मैश, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सारा नहीं करने हमें ताकि क्रश क्रश कैंडी क्रश। एक टाइम था गल गए वैसे भी बहुत खेला है। हाँ गल तो गए, मगर थोड़ा मिक्स कर दूँ ना इसको जबरदस्त क्रिस्पी की, जिसकी भी हाथ में जाएगा ना। अभी इसमें थोड़ा तेल डालकर और इसको बस भूनेंगे। चलो भूनो, मैंने बोला तेल तेल ढक्कन कहेंगे इसका, इस ये वाला हिस्सा लो देखो ये वो है। अम्मी इतने बड़े तवे पे भी तेल गिरा रही, क्या हो गया? तब गिराई ये अम्मी नहीं गिराए, अम्मी नहीं गिराए कहाँ है इतना सारा तवा खाली पड़ा हुआ है क्या? मैं बैठी हूँ तवे पे, बोलिए तवा खाली पड़ा है। अच्छा इसमें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा, और यहाँ पर जो है आप कॉर्नफ्लोर डाल दें, कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो यहाँ पर मैंने जो है ना आटा घोल दिया 2 चम्मच आटा मैदा जो भी हो वो आप घोल लें, और इसको गाढ़ा करने के लिए हम डालेंगे इसको। दो चम्मच मैदा घोल कर इसके अंदर डाल दिया, और ये तैयार हो गए हमारे आलू की सब्जी। सदफ तुम भी ऐसी बनाती हो? वो जो कचौरी के साथ खाते हैं, कचौरी के साथ जो खाते हैं इसके अंदर ऊपर से लीमू डाल दो। चलो ये बन गई, इसको हम रख देते हैं। कहाँ गया इसका ढक्कन? हाँ हरा धनिया हटो। ये बाकी किचन में, अब तो किचन में लग रहा है सदा मिल गई है पकाने। गर्मी लग, बाहर मजा आ रहा है पकाने। बनाने बनाऊं? अम्मी तेल और डालेगा? नहीं बस ये इसके अंदर डाल दिया हरा धनिया, ये हो गई फाइनल। और इसमें आप चाहें अचार डाल के खाएं, दही डाल के खाएं, या लीमू इसमें डालकर खाएं। वैसे बगैर इन सब चीज़ों की भी बहुत अच्छी बनती है। इसको मैं उतार रही हूँ चूल्हे पे से। गोल्डन पराठा, अम्मी दो गोल्डन पराठे विद गोल्डन कीमा। और यहाँ पे हम लस्सी बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं दही डाल के इसको फेंट रही हूँ। लस्सी अंबर को दे दो, अंबर बना। उसके हाथ में लग गई। अरे अम्मी बना लेगी, हद हो गई। अंबर बना लोगी ना? नहीं मैं रेस्ट इन पीस पर बना लेता। किस पे हो? रेस्ट इन पीस पे हो। ये क्या होता है? वो कमेंट्स में बताएंगे। दुआ करो दुआ करो दुआ करो। लो सदफ
जब वीडियो बनती है तो अच्छे-अच्छे मंदिर पे अच्छा हदीसे मुबारक में है कि जुम्मे के दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो दुरूद भेजा जाता है तो वो खुद सुनते हैं और जवाब भी देते हैं इसका शब जुम्मा है ना तो हाँ मगर जुम्मा तो स्टार्ट हो गया है ना तो हम यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा लगता है वो अलग बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लू अलैहि व आलिही ना तो मेरा कोई कमाल है ना तो मेरा कोई कमाल है ना है दस्ल मिस में गुरूर का ना है दस्ल इस में गुरूर का मुझे रखने रखते हैं वो निगाह में ये करम है मेरे हुजूर का सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सुभान अल्लाह तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगी तो जुम्मे के दिन आप किसी भी टाइम पे जो है अच्छे से वज़ू करके और किसी एक जगह पे साफ़ सुथरी जगह पे आप जो सुकून की जगह हो वहाँ पे जाके दुआए हाजात यानी सलातो हाजात कहते हैं ना इसको सलातो हाजात दो निफिल अदा करें उसमें जो है सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी आप आयत पढ़ लें जो आपको ईजी हो पढ़ने में और आप आसानी से पढ़ सकें आप वो पढ़ लें उसकी सूरह फातिहा के साथ मिलाकर और दो रकात नमाज पढ़ें उसके बाद जो है आप पढ़ें 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 दफ़ा और आगे पीछे पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतबा और फिर कुल हुवल्लाहु पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद जो है आप तहे दिल से यानी आप इतना यकीन से पढ़ें कि आपके सामने जो है ना बस आप अल्लाह के दरबार में बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और आप दुआ मांग रहे हैं और हमारी दुआ जो है वो सुन रहा है अल्लाह पाक और ज़रूर वो कबूल करेगा तो खूब रो रो के अपने जो भी परेशानी जो भी तकलीफ़ है आप दुआ करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको उसी दिन जो है इंशाल्लाह आपको जो भी आप दुआ करेंगे आपकी कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह तो ज़रूर ये करिएगा पहले जुम्मे को और जो मैंने बताया आपको जिस तरह से में ना कि बस दो रकात निफिल पढ़ के और फिर हाँ पढ़ना यानी तो वो मैंने समझा के नहीं समझा के बताया ना कि निफिल पढ़ने के बाद 11 मरतबा कुल पढ़ना है 11 मरतबा आगे पीछे दुरूद इब्राहिम या कोई से भी दुरूद शरीफ पढ़ के और दुआ करनी है
तो इंशाल्लाह करम करेगा और तो जरूर करेगा। दुआ के लिए तो वैसे भी कहते हैं ना कि दुरूद पाक के बगैर जो ना दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। उसके अव्वल और आखिर में दुरूद पाक को ऐड जरूर करना है, जरूर करना है हमें, वरना दुआ हमारी आसमान तक नहीं पहुंचती, वो बीच में जो है ना मौलिक रहती है हमारी। और जो जिनके औलाद नहीं है उनसे भी मैं कहूँगी कि वो भी पढ़ें, और जो अल्लाह ना करे किसी बीमारी में मुब्तला है, किसी कर्ज में मुब्तला है, किसी भी परेशानी में मुब्तला है, आजकल मतलब मैं मेरे पास इतनी कमेंट्स आती हैं, इतने लोग परेशान हैं, किसी ना किसी परेशानी में लोग घिरे हुए हैं, और वो सारी परेशानियाँ जो होती हैं ज़्यादातर हमारी अपनी खुद की बनाई होती हैं, यानी हम किसी पर इतना अंधा एतमाद कर लेते हैं, बाद में कोई धोखा देता है तो फिर हमें वो परेशानी का सबब बनता है। और मेरे पास एक ऐसी बच्ची की कमेंट्स आई थी जो यानी तालीम हासिल कर रही थी, मगर किसी लड़के की बातों में आके उसने अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी तालीम छोड़ दी, और वो उसके साथ उसने निकाह कर लिया, और वो निकाह करने के बाद वो लड़का गायब हो गया। 16 अब वो ना अपने घर जा सकती है और ना ही वो कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बच्चा भी है, और वो इतनी परेशान है वो के घर में झाड़ू पोछा कर रही है और घरों के अंदर काम कर रही है। तो अल्लाह पाक उसकी बच्ची की परेशानी को दूर करे। तो कहते हैं ना कभी भी माँ बाप के माँ बाप की जात के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, तो वो दुनिया में भी ख्वार होता है और आखिरत में तो है ही इसके लिए बुराई। तो बस अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए और हमारे बच्चों को भी नेक बनाए, अकल शऊर दे हमें, आमीन। और यहाँ पर देखें कीमा जो तैयार हो गया, इसको लगा दिया हमने एक साइड पर, जैसे ही हमारा हम शहरी का दस्तरखान लगाएँगे तो हम कीमा जो है सर्व करेंगे। और यहाँ पर हमारी चाय भी तकरीबन बन गई है, पराठे मोतर और कमल बना रही है, और ये तो अपना हाथ ही कटा दिया, यानी जख्मी खूनी जख्मी बकरी जख्मी बकरी बनी है, खूनी कीमा तो इन्होंने काली बकरी बनाया, काली बकरी खूनी कीमा बनाया, काली बकरी इसके अंदर दूध डालो अमर। कीमा कीमा जो है फाइनल हो गया, और हमने जो है माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज भी अदा कर ली, तो यहाँ पर हमने कीमे को साइड में कर दिया था, और अब फाइनल बस इसको दस्तरखान पे हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रह गया था ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये डाल रही हूँ मैं एक छोटा चम्मच, ये डाल दिया, और डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया, तो ये हरा धनिया डालेंगे और बस मिक्स करेंगे। बस ये हरा धनिया डाल दिया और बस इसको मिक्स करें, ये हमारा तवा कीमा तैयार हो गया। तो माशाल्लाह से हम लोग शहरी के दस्तरखान पे बैठ गए, और हमेशा की तरह दस्तरखान पे हम लोग बैठकर सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबके घरों में सबके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत दे, और सबके घरों में अल्लाह पाक ऐसे ही दस्तरखान लगाए, और प्यार मोहब्बत से सब रहें, प्यार मोहब्बत बांटें एक दूसरे के साथ। और माशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है, अल्लाह पाक सबको हम सब की तरफ से जो है जुम्मा मुबारक, और जुम्मा मुबारक देखो स्पाइडर मैन जुम्मा मुबारक कर रहा है। और बाजी नहीं आ सकी, बाजी की तबीयत सही नहीं थी, और शनाज को भी मैंने बुलाया था वो भी नहीं आई, वो पापा की तबीयत की वजह से, पापा हाँ उनके वजह से, मम्मी को अकेला उनकी वजह से नहीं आ सकी, तो हमारे आधे मेहमान नहीं आए। अब जो भी हैं अल्लाह का शुक्र है कि बस कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। और अभी हम लोग जो है सहरी करने बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी सहरी करें अपने घर वालों के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।